शेट्टी इज्जत रख लियो लॉस्ट एंड ट्रैवल की। बहुत प्यारी लगी, बहुत प्यारी। ब्रेकफास्ट में मिला सैंडविच, पराठे खा के मैं हो गया हूँ बोर। ना मेरे को मज़ा आता पराठे खाने में, यहाँ मिलते एक तो वाइट चावल, पुलाव भी नहीं मिलते, बड़ा परेशान हो गया। बट सैंडविच ठीक है, काम चल जाएगा। आज आ रहे हैं हम चंद्र ताल, मस्त धूप सेक रहे हैं, साथ में चल रहा है सैंडविच। चाय एक इधर देना भैया, हितेश भैया एक उधर देना। सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हम जा रहे हैं लोसर से सिसु वाया चंद्रताल, और यहाँ पे सभी गाड़ियाँ रुकती हैं। निकल चुके थे, ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया था, वो आपने देख ही लिया होगा, सैंडविच खाएगा लेके सभी फिर निकल गए। हवा बहुत ज़्यादा ठंडी चल रही है, बहुत ठंड है। माया कम चलो चले चलो माया कम। एक आवाज हमारी भैया ने, दोनों के दोनों वापस। जब हम जा रहे हैं चंद्रताल, फिर वहां से सिसु जाना। रास्ता देखो कितना खराब है, पूरा रास्ता ऐसे ही है, बिल्कुल भी मतलब रोड नहीं बनी हुई है। So guys, this is कुंजुमला पास, we have reached at कुंजुमला। पूरा ये ऑफ रोड था, बहुत ख़राब रास्ता था, बट स्टिल we made it to कुंजुमला पास। Guys, we have reached कुंजुमला पास, so this is the कुंजुमला पास। ये हमको टेम्पल भी बता रहे हैं, और पूरा ऑफ रोड था, ट्रैक बिल्कुल ख़राब ट्रैक था, बिल्कुल भी मतलब मज़ा नहीं आया गाड़ी चलाने में। और कोई साइड भी नहीं दे रहे थे ना, काफ़ी टैक्सीज वाले, बड़ी मुश्किल से पहुँचे। और इसके बाद अब जाना है चंद्रताल, चंद्रताल से सिसु। बीच में लंच करेंगे शायद बताल में। चट्टी फोटो खींच दे फटाफट से। कुछ ऐसा अंदर से टेंपल है यार, पता नहीं क्या, ये टेंपल ही है ना सामने देखो। और ये पीछे माउंटेन पे देख लो, फ्रेश स्नो पड़ी है, बिल्कुल फ्रेश है। तो यहाँ पे भी है प्रेडिक्शन, तो कभी भी स्नो हो सकती है। लोग चंद्रताल जा रहे हैं, वहाँ पर भी हमें स्नोफॉल लाइव मिल सकती है, किस्मत में हुआ तो मिलेगी, नहीं तो वैसे तो मिल ही जाएगी पड़ी हुई तो। पर ठंड बहुत ज़्यादा, जैकेट डालनी पड़ेगी लग रहा है। कभी टो करते हुए रिकवरी के लिए इस थार से स्ट्रैप बांध के फिर खींचेंगे। मैं जाऊंगी आगे वहाँ पे, फट गई अभी पाँव टूट जाता पहले हाथ गाड़ तो मैं फिर हैं और मैं जाके आगे वो ये वाला ऐसा। सो गाइस, अभी रिकवरी टाइम है, स्ट्रैप बांध दी है, इसके हुक में भी, इसके हुक में भी। माय गाड़ी का टायर ही कट गया पूरा, जो सैम भाई कंडे पर है। एक टायर कल कटा था सुरेश भैया की गाड़ी का, एक आज कट गया। तमिलनाडु की दोनों गाड़ी अपना टायर कटवा चुकी हैं। आप रेस दे दो भैया थोड़ी सी। दोबारा एक ट्राई करते हुए पत्थर लगा दिए, गाड़ी पीछे नहीं आ रही, आगे वाली थार है ना पीछे, तो वो मतलब पीछे नहीं आ रही, आगे जा रही है। रखना था यार, वही तो बात है, टर्न नहीं करना था ना यार, ऐसे कैसे निकल जाएगी गाड़ी। मैंने आपको बोला कि आपने सिर्फ न्यूट्रल में रखना है, रसी थी अब टाइट करो इधर से, ऊपर से हाइट, थोड़ी सी हाइट बढ़ाओ, नीचे इससे ऊपर रखना है, हाँ थोड़ा सा ऊपर करो, हाँ ठीक है। मेरे को दिखाना इस साइड से, ठीक है चलो आप नहीं ऊपर चढ़ जाते हैं। नहीं उधर वजन बढ़ाते हैं, दो बंदे खड़े हो जाते हैं। नहीं ये घूमेगी नहीं, ये टायर तो रहेगी, अच्छा वो जाएगी नहीं। करना आगे कर लो थोड़ा, या तो बस अब खींच के रिवर्स ले दो एक बार, ये इधर का फ्री है। नहीं होगा सर, अपना हथियार औजार लेके निकल गए ब्रह्मास्त्र पर, गाड़ी निकली नहीं अभी तक ब्रह्मास्त्र में। अरे आधा करेंगे भाई, आधा ब्रह्मास्त्र यूज हुआ तो पूरा नहीं हुआ। इसमें भी लगाते हुए ब्रह्मास्त्र, यस सर। लेफ्ट कवरेज में पंचर होता है, जो लेफ्ट होते हैं कैप्टन साहब। अब तक तो फोन करके बुला लेना था हेलीकॉप्टर आपने। हाँ कैप्टन साहब आप तो पायलट हो, आपका चलो 5 लाख में उठेगा। उधर का फ्री हो गया यार, उधर की मिट्टी निकालो यार, एक पत्थर लगा दो। आधे बंदे वहाँ चलो, आधे बंदे चल जाओ भाई वहाँ पे, चलो भाई चलो। नहीं रुक जाओ, कोई फायदा नहीं है। फेल हो गई, ब्रह्मास्त्र भी काम नहीं आया। सिद्धार्थ भैया ऐसा कंटेंट नहीं चाहिए था मेरे को, जान करके फंसाइए निकल जाएगी। रेस दो में भी रेस दो यार, एक झटका एंडेवर में रेस दो, रिवर्स में दादा बैक घुमा, टायर मत घुमा भाई, स्ट्रेट टायर सीधा रखो और रिवर्स मारो। जब निशी बोले तो रिवर्स मारियो, निशी इसको इंस्ट्रक्शन दो। अब गाइस अब अपनी गाड़ी से निकलते हुए सारी गाड़ियां फेल हो गई। आप देखते हैं हमारी थार क्या करेंगे। आप करो हितेश भैया, आप सही करोगे। शेट्टी इज्जत रख लियो लॉस्ट एंड ट्रेवल की। गो बस। गाइस 4x2 वाली गाड़ी एंडेवर तो निकल ही नहीं रही, अभी भी अटकी पड़ी है। रिवर्स करके यहाँ इसी ट्रैक पे लाना है, बट मिट्टी जो है काफी सॉफ्ट है, इस वजह से ना वो टायर्स वो स्किड कर रहे हैं, बट इतने लोग लगे हुए निकाल ही लेंगे। तो गाइस ये फिर से फंस गया, अब इसको टो करके ऊपर ही लेके जाएंगे। थोड़ी आगे मैं भी बैठूंगा, ठीक है थोड़ी आगे। जब टो पूरा आ जाए मेरे को बता देना। नहीं अभी कर मार। आराम से, यहाँ वो है खड्डा है, सीधा साहिल सीधा। सो गाइस 2-2.5 घंटे लगे रिकवरी होने में और अब मेन रोड से जा रहे हैं वापस बैक ही कर ली थी, क्योंकि जो गाड़ी फंसी थी वो पूरे हम ऊपर ट्रैक तक टो करके लाना पड़ा उसको। तो मैंने सोचा मेन रोड से चलता, मैं क्यों उड़ता तिर लूँ। सब नीचे वेट कर रहे हैं। सो गाइस आज ऐसे लगे हैं समझ ही नहीं आ रहा, एक गाड़ी वहाँ फंसी हुई है, ये दो गाड़ियाँ ये रही। ये ऑफ रोड करके आ रहे थे कि ये रोड मिलेगी, बट रोड यहाँ पे कोई मतलब है ही नहीं कि रोड मिल ही नहीं सकती कहीं पे। तो ये वापस जा रहे हैं और वापस ऊपर मेन रोड से घूम के आएंगे पूरा। हम मेन रोड से आए थे तो सही रह गए। सिद्धार्थ भैया ने सबका टाइम खराब कर गया, खुद मस्त धूप में सेक रहे जाके गाड़ी। देखो सिद्धार्थ भैया, मयंक भैया मैच का आनंद लेते हुए मजा ले रहे हैं। वर्ल्ड कप चल रहा है। पॉपकॉर्न दिला दो यार, पॉपकॉर्न भी देते हैं आपको, साथ में कोल्ड ड्रिंक। कौन सी लोग हैं? बेल पड़ी है गाड़ी में, पड़ी है खाली, बेल पड़ी है, लेके आनी पड़ेगी। नीचे जो बैठे उनको बोलो फेंक देंगे। सो गाइस 3 से 4 घंटे लग गए, अब वो रोड पे आ गए हैं। मतलब पहले 2 घंटे तो यही गाड़ी एंडेवर रिकवर करने में लगे, अब 1.5-2 घंटे। वो 2 गाड़ियाँ फंस गई थी, एक एंडेवर थी और एक थार ओल्ड मॉडल। वो अब रोड पे चढ़ गए हैं बट आने वाले हैं। और अभी चंद्र ताल भी जाना है। ये ऊपर दिखाता हूँ, ऊपर से उतर के आए हैं, यहाँ से चढ़े थे ऊपर, फिर ऊपर चढ़ के यहाँ जाके पीछे थे जहाँ से वो गाड़ियाँ स्पॉट हो रही थी। चलो गाइस बाय। एक ये गाड़ी थी, इस गाड़ी का भी पिछले वाला टायर कट गया, नुकीले पत्थर के नीचे आ गए। और अब तक टोटल 3 टायर कट चुके हैं। आज एक सैम भाई का इस गाड़ी का कटा ऑफ रोडिंग में ही, और अब साहिल का कट गया। ऑफ रोडिंग महंगी पड़ रही है। सो गाइस ये जो सामने है ये है चंद्रा रिवर, विच ओरिजिनेट फ्रॉम चंद्र ताल लेक। और अभी हम चंद्र ताल लेके जा रहे हैं, तो वही दिखाएंगे आपको व्यू। पूरा खराब रास्ता है, लेफ्ट में देख लो मौत है। सिंगल लेन है, सामने से गाड़ी आएगी तो उसको वेट करना पड़ेगा। दैट कैन नॉट क्रॉस, क्रॉसिंग है, नाला क्रॉसिंग बोल सकते हैं इसको। कितने पानी टैप कर रहे हैं, देखो इधर कैप साइड्स के लिए। ओह माय गॉड, क्या कर रहे हैं? पानी वो पीवीसी पाइप ना, पानी टैप करने के लिए वाटर क्रॉसिंग वाले चढ़ने से। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं चंद्र ताल लेक पे ट्रैक करते हुए। 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है। फट जाएगी, गंदी फटेगी पर करेंगे। ये इंदौरी भाई हमारे, वो आगे भी इंदौरी भाई है ना, आगे वाला देखो कहाँ पहुँच गया। आपकी कितनी फटी है? फटी नहीं कैप्टन साहब की, कैप्टन साहब की बिल्कुल नहीं फटी। पीछे भैया आ रहे हैं साथ में मैक्स माया। मेरी अब नहीं फट रही, स्टार्टिंग में थोड़ा ट्रैक था, अब तो नॉर्मल ही है। व्यू है क्या सामने? सामने व्यू है क्या? व्यू कहाँ पे है? गाइस अभी शायद सामने व्यू हो सकता है लेक का। यस दैट्स द लेक, बहुत प्यारी लेक है। नीचे भी जाना है, इतना ही है। सो गाइस ये कुछ वार्निंग का बोर्ड लगा हुआ है चंद्र ताल लेक पर, पीछे लेक है। बहुत प्यारी लेक है, बहुत प्यारी। हवा ज़्यादा रिवेश हो रहा, हवा बहुत तेज़ चल रही है, ठंड ज़्यादा यहाँ पे। और मैं नीचे नहीं जा रहा बिकॉज जो दूर से मज़ा आ रहा है ना लेक देखने का, पास से नहीं। और मैंने ड्रोन शॉट्स वगैरह ले लिया मस्त वाले, तो भी आप ड्रोन शॉट्स एंजॉय करो। Nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over. गाइस यहाँ बादल देखो कितने काले बादल हैं, तो स्नोफॉल भी हो सकती है आज। बट लेक का व्यू कितना प्यारा है, और स्नोफॉल हो जाए तो मज़ा ही आ जाएगा ना, अलग ही एक्सपीरियंस हो जाएगा। चंद्र ताल लेक पे स्नोफॉल सामने हो रखी है, फ्रेश स्नोफॉल, बट यहाँ पता नहीं होगी नहीं होगी। और ये विंटर्स में बंद हो जाता है, विंटर्स में ये ऑलमोस्ट मतलब पूरा जितने भी पीछे आ रहे थे कैंपिंग साइड सब बंद थे, सब पैसा करके जा चुके हैं। बिकॉज विंटर्स में रोड्स वगैरह सब ब्लॉक होती है, 8-8 इंच की बर्फ़ पड़ती है, तो पॉसिबल नहीं है ना किसी के लिए भी यहाँ रहना। ये देखो, ये मुझे लग रहा है स्नोफॉल के लिए हो रहा है, बिल्कुल पास में ही है, सामने ही। माइट भी स्नोफॉल हो रही हो यहाँ पे, या होने वाली हो, बट होगी स्नोफॉल तो यहाँ। सो गाइस वी हैव रीच्ड पार्किंग स्पॉट। यहाँ से गाड़ी पार्क करके 1.5 किलोमीटर का ट्रैक था, बड़ा प्यारा सा ट्रैक था, कोई ऐसा नहीं है मुश्किल था, ऐसे नज़ारे लेते लेते पहुँच गए। मज़ा आया ट्रैक देख के, बाकी तो हार्ड नहीं था। इस बोल दी कैंपिंग स्पॉट। ये देखो, ये पूरा ये टेंट्स थे, ये सब इन्होंने मतलब पैकअप करके, जितने कमोड दिख रहे होंगे आपको, ये कमोड है जो येलो रैप्स हैं, तो ये सब बंद करके जा चुके हैं यहाँ पे। नहीं तो स्विच टेंट्स होते हैं समर्स में, तो काफ़ी अच्छी कैंपिंग होती है यहाँ पे, बट अब वेदर जो है वो फेवर नहीं करता कैंपिंग को, तो इसलिए सब चले जाते हैं। गाइस अभी हम आए हैं चाचा चाची चंद्रा ढाबा बताल। तो ये बताल में पॉपुलर ढाबा है, यहाँ राजमा चावल बहुत अच्छे मिलते हैं, तो देखते हैं आपको दिखाते हैं। कर दिया ऑर्डर? ऑर्डर नहीं, डलवाओ खाओ, क्या बनता बनता नहीं है, बना बनाया आ जाओ। हाँ, 1 प्लेट राजमा चावल। राजमा चावल है और क्या है? दाल चावल, राजमा चावल, चटनी है, चटनी हरी मिर्ची चाहिए। अंकल आंटी खान करते हैं। राजमा चावल 1 प्लेट। थोड़ा बचा हुआ आप लोग खा लो, थोड़े चावल डाल दो राजमा, 1 राजमा चावल और दे दो। थैंक यू। गाइस बहुत टेस्टी चावल है, बहुत बढ़िया। चाय 1 नंबर, इलायची वाली चाय, बहुत बढ़िया। तो गाइस ये ऐसे का भी यहाँ पे स्टिकर लगा हुआ है, नाइस। मैंने इनका ½ घंटे का आई के डॉक्यूमेंट, उसके बाद बड़ी मुश्किल से आर्मी के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कराया, तो इन्होंने यहाँ उनको देखभाल किया, तो ही गॉट अ नेशनल अवार्ड फॉर ब्रेवरी, चाचा चाची, इसलिए बड़ा फेमस है। तो गाइस इन्होंने काफ़ी रेस्क्यू करवाए हैं लोगों का जो विंटर्स में स्टक हो जाते हैं यहाँ पे, तो आर्मी ने इनको एक ब्रेवरी अवार्ड भी दिया। लाइट मारिए थोड़ा सा, ये पूरा आ रहा है, क्लियर आ रहा है। लाइट है, लाइट सबका। तो इन्होंने काफी लाइव्स को सेव किया है, 143 इंक्लूडिंग फॉरनर्स। हितेश भाई 10, अंकल 11 और आंटी 12। चाय मैंने भी पिया, तो ये है अंकल जी चाचा जी, खाना बहुत अच्छा था अंकल जी। 12 राजमा चावल, मतलब 12 दाल चावल, राजमा चावल मिला के 12 हो गई, और है ना। 4 पानी की बोतल है, वो तो जोड़ दिया, ठीक है 4-5, ये 5 हो गई पानी की बोतल, को जोड़ दो। वो बिस्किट है, ये 3 बिस्किट है, 2 बिस्कुट, ये हो गया, ये मोटा वाला हो गया, और जी और अपने पार्ले जी लिखिए, एक छोटा माउंटेन ड्यू और कोक, एक छोटा माउंटेन ड्यू है, ये छोटा कोक है, छोटा दोनों छोटा है ना, दोनों छोटा है। अच्छा वो भी बस हो गया। और चाय कितनी? चाय आपको मालूम होगी ना, चाय कितनी दी? 4 तक ले आप लोग, ठीक है, 4 तक ले आप लोग। नहीं नहीं डालो डालो चाय जो है नहीं अंकल जी जो है 12 चाय 2120 हो गए 2120 चाय चाय नहीं काटा चाय मेरे तरफ से अरे लिखो अंकल चाय चाय का डालो अंकल जी कोई बात नहीं घर की मुर्गी दाल के बराबर तो मैं आपके घर में आपको खाना बहुत अच्छा था बहुत अच्छा खाना ये मुर्गी कैसे आ गए मेरे को तुमने दिए थे 500 के अच्छा ये वो अलग 4500 तो वैसे इनका यहीं पे इसी स्टोव से मतलब इसी में बनाते हैं चूल्हे में। तो वैसे शेट्टी अंकल को टिप देता हुआ नमस्कार जी चूल्हे चूल्हे सो गाइस खाना बहुत बढ़िया था उससे भी बढ़िया था वहाँ की वाइब बिकॉज जो लिखा हुआ था अंकल ने इतनी लाइट्स बचाई है तो थोड़ी टिप भी बनती थी अंकल ने और चाय के पैसे ही नहीं जोड़े थे बोले नहीं चाय मेरी तरफ से तो थोड़ी सी टिप दे दी है शेट्टी ने अंकल आंटी दोनों को। और अभी जाना है सिसु अभी कहना है 3 से 4 घंटे सिसु पहुँचने में लग जाएंगे और ठंड इतनी ज़्यादा है पता नहीं कब पहुँचेंगे सिसु। देख लो पीछे कितना मस्त लग रहा है ना। सो गाइस 2 घंटे से ज़्यादा हो गया वहाँ बताल से निकले हुए और पूरा रास्ता ऐसी रोड चल रही है पूरा रास्ता इतने बड़े बड़े मतलब पत्थर हैं साइड में लैंडस्लाइड्स के और ये सब लैंडस्लाइड्स हैं ये आप सामने देख रहे हो पूरी ये लैंडस्लाइड हो रखी है यहाँ पे ना पता नहीं अब कब पहुँचेंगे। अब ना फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ ड्राइव करते करते ना 2 घंटे से ज़्यादा हो गया ऐसी रोड चल रही है बिल्कुल ऐसी। एक छोटी सी ना एडवाइस दूंगा इन रास्तों पे कभी भी आओ दिल हो सिडान या हैचबैक मत लेकर आना ऐसी गाड़ी लाना जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा हो कोशिश करना 4x4 में ही आओ 4x2 तो जैसे आज लेबर फंसी है हमारी तो कहीं क्या पता कब कैसी मतलब ज़रूरत पड़ जाए 4x4 की अगर नहीं है 4x4 बट 4x2 लानी हो तो अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस की लाना नहीं तो गाड़ी का नुकसान हो जाएगा अच्छा खासा। और हैचबैक और सिडान तो सोचना भी मत यहाँ लाने की मेरे को बस बता दिया मुझे मत कहना राहुल ने बताया नहीं। तो इतने खड्डे इतने झटके और कई देर से झेल रहा हूँ अभी सिर्फ हम 3 गाड़ी आ गए हैं बाकी तो सब बहुत पीछे रह गए हैं। गुड मॉर्निंग गाइस नया दिन हो गया है सिसु में हैं फिलहाल हम और आज सिसु एक्सप्लोर करेंगे। कल रात को तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे सोते सोते बिकॉज वो एमपी वाले भैया उन्हें जाना था बट हम बार बार कन्विंस कर रहे थे मत जाओ बट उनको कुछ अर्जेंट काम था तो चले गए। चलो आपको एक छोटा सा रूम टूर दे देता हूँ पहले सिसु में। तो ये मेन एंट्रेंस है दिखा देता हूँ आपको ये कॉरिडोर है ये रूम 201 ये कुछ रूम है ये वॉशरूम है ये व्यू है बालकनी से। तो गाइस आज का व्लॉग यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हिट द लाइक बटन चैनल पर नए हैं तो टू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं फिर जल्दी एक नए एपिसोड के साथ। टिल देन बाय बाय।